students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is how we celebrate, Hamkese we Learning topics, Diwali, Holi, the Sahira, Raksha Rakshabandhan, Christmas, Eid, Gurupurab, Pongal, Onam. A festival time is a fun time. It is a time of joy and merry making. वी ऑल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स तो जिस टाइम पे फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही एक हैप्पीनेस यानी कि खुशी का माहौल होता है और हम सभी को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, ईट स्पेशल डिशेस एंड विजिट देर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स तो इस टाइम पे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के घर भी विजिट करते हैं Festivals are celebrated all over the world. In our country, we celebrate many festivals at different times of the year. पूरी दुनिया में हर जगहों पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं और हमारी कंट्री में भी पूरे साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं दिवाली दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री before the wali we clean and decorate our houses on this day it is believed that lord rama returned to ayodhya spending fourteen years of exile the houses are lit with lamps and candles at night at night people worship goddess lakshmi एंड लॉर्ड गणेशा तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है इस लोग अपने घरों को अपनी दुकानों को क्लीन करते हैं साफ करते हैं और लाइट और कैंडल से जलाते हैं ऐसे माना जाता है कि इस टाइम पे जो लॉर्ड राम है वो अयोध्या वापस आए थे अपने चौदह साल के वनवास के बाद इसी टाइम पे रात के टाइम पे गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेशा को वर्शिप किया जाता है होली Holi is the festival of colors and fun. It marks the day when Holika was burnt and Prahlad was saved by Lord Vishnu. जब अपने भाई प्रहलाद को जलाने की कोशिश करी थी तो वो खुद ही जल के भस्म हो गई थी और प्रहलाद को लॉर्ड विष्णु के द्वारा बचा लिया गया था तो इस दिन हम होली मनाते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और स्वीट्स भी खाते हैं दशहरा

रावणा की मेघनाथ की और उनके भाई कुंभकर्ण की और उनको जला दिया जाता है रक्षाबंधन इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर द सिस्टर टाइज अ राखी ऑन द रिस्ट ऑफ अवर ब्रदर द ब्रदर प्लेजर्स टू डिफेंड हिज सिस्टर ही गिव्स गिफ्ट्स टू हिज सिस्टर तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार होता है जो भाई और बहन के बीच का त्यौहार होता है इसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी भाई अपनी बहन को देता है और उसको जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है क्रिसमस इट इज of फेस्टिवल ऑफ द is एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन On this day ऑन दिस डे लॉर्ड born. क्राइस्ट people dress सम पीपल ड्रेस Claus and एंड gifts फॉर children. तो क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार है इस दिन ये चर्च में जाके जीसस क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और माना जाता है कि सेंटा क्लॉस आता है और बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है ईद ऑन दिस डे द मुस्लिम्स गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर नमाज से वाई इकड ऑन दिस डे तो ईद जो होती है इस दिन माना जाता है कि मुस्लिम्स मस्जिद में जाके नमाज यानी कि उनकी प्रेयर ऑफर करते हैं और एक स्पेशल टाइप की डेलीकेसी बनती है जिसका नाम है सेवई इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान द मुस्लिम्स की फास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ तो पूरा रमजान का महीना होता है और जब ये रमजान का महीना खत्म हो जाता है तब ईद मनाई जाती है और मुस्लिम्स इस पूरे रमजान के महीने में फास्टिंग करते हैं गुरुपुरब द बर्थडे ऑफ सिख गुरु से होली बुक ऑफ दिख्सन आउट इनसे गुरु द्वारा तो दस जो सिख गुरु थे उनकी कमेमोरेशन के लिए ये दिन मनाया जाता है गुरु पूर्व और इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाता है बड़े बड़े प्रोसेशन निकाले जाते हैं और सारे लोग एक साथ जमीन पर बैठकर एक कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसे कहते हैं लंगर पोंगल पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जैगरी देश थ्री डेज तो पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है यानी कि इस टाइम पे राइस को हार्वेस्ट किया जाता है और ये करा जाता है तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को तीन दिन तक सेलिब्रेट करा जाता है ओनम Onam is the most important festival of South India. It is celebrated in Kerala. It is also a harvest festival. Onam is celebrated for four days. Decorated elephants are taken out in a procession. Feasts are held in every house. Boat races and Kathakali dances are the main attractions. These boats are called snake boats. तो ओणम जो है वो साउथ इंडियंस का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है राइस को हार्वेस्ट करा जाता है और ये स्पेसिफिकली सेलिब्रेट होता है केरला में इसको चार दिन तक सेलिब्रेट करा जाता है एलिफेंट्स को डेकोरेट करके उनको प्रोसेशन में निकाला जाता है और साथ ही साथ अलग अलग हाउसेस में अलग अलग टाइप की फीस यानी कि पार्टीज भी अरेंज करी जाती हैं बोर्ड्स भी होती हैं हाउस बोर्ड जिन्हें कहा जाता है रेस होती है कथकली डांसेस होते हैं जो कि मेन अट्रैक्शन हैं इन बोर्ड्स को कहा जाता है स्नेक बोर्ड्स

बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क निर्वाणा अ स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इसी तरीके से जो बुद्धिज्म के लोग होते हैं जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो लोग लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हैं और जिस दिन उन्होंने निर्वाणा को अटेन किया था यानी कि उनको एनलाइटनमेंट हुई थी उसको सेलिब्रेट करते हैं सो स्टूडेंट्स अब कुछ एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं